नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अल्ताफ हुसैन और आप देख रहे हैं जनता की पुकार यूट्यूब चैनल। जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। और इस वक्त हमारे साथ हैं सामाजिक कारकुन, साबिक सिंडिकेट डायरेक्टर, मरकजी और रियासती हुकूमत के बहुत सारे कॉर्पोरेशन कमीशनों में काम कर चुके बासलाहियत तजुर्बाकार मुर्गा राजेंद्र मठ के ट्रस्टी अली जनाब सी आर नसीर अहमद साहब हमारे साथ हैं। आइए उनसे मौजूदा हालात के मुताबिक कुछ बातों पर तबादला ख्याल करें, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं। हमारा आपसे सवाल है कि रियासत में तालीम के मैदान में तलबा को जो तकसीम करने का जो खेल चल रहा है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? अल्ताफ साहब, ये बहुत अफसोस की बात है कि आज हालात रियासत में हो या मुल्क में हो, जो हालात गुजर रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं तमाम जो भी ये इश्यूज उठाए हैं ये लोग, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देश के साबिक वज़ीर आज़म श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को देखिए। क्या है सर्व शिक्षण अभियान बोल के उन्होंने 2000 ईस्वी में इम्प्लीमेंटेशन किया श्री वाजपेयी साहब। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा अभियान था, एक प्रोग्राम था सर्व शिक्षण अभियान। ये सर्व शिक्षण अभियान के थ्रू हजारों के मतलब लाखों के जो स्टूडेंट्स थे, जो तालीमी मैदान में जो पढ़के थे, यानी कि बीएससी बीए एमए टीचर्स ट्रेनिंग्स जो भी किए थे, लाखों के तादाद में उनको अपॉइंटमेंट दिया गया, रोजगार प्रमाण दिया गया। और उसके साथ जो है जितने भी स्कूलें हैं हिंदुस्तान में उसको अलग बजट दिया गया। बहुत सारे स्कूल खस्ता हालत में थे, गिरने के हिसाब में आ गए थे, बंद होने के हिसाब में। अच्छा प्रोग्राम दिया, तो उन्होंने 5 साल के लिए दिया था प्रोग्राम जनाब वाजपेयी साहब ने। बहुत हिंदुस्तान की जो तालीमी हलके में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुआ। वो स्कीम को डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कंटिन्यू किया, उन्होंने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया कि इन्होंने वाजपेयी साहब बीजेपी से थे, बीजेपी हुकूमत ने की, हम इसको रोकेंगे, ऐसा नहीं किया। अच्छा। वाजपेयी का जो मिशन था, जो मेन सेटअप था, ये कम से कम 15 साल चले। उन्होंने 15 साल इसका भरपूर ताउन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, और वाजपेयी साहब ने उसकी इब्तदा की थी। ये पूरी दुनिया में एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, है सर्व शिक्षण अभियान आंदोलन था। इससे कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो इलम से, और कोई भी स्कूल जो है बहुत पूर कंडीशन में ना रहे। बहुत सारा पैसा दिया गया, करोड़ सुगेदर, हजारों लाखों करोड़ सुगेदर पैसा दिया गया मरम्मत के लिए, एजुकेशन के लिए। सर्व शिक्षण अभियान आने से पहले स्कूलों में एक फोटो, गांधी जी की फोटो या दूसरे लीडर्स की, 2-3 लीडर्स की फोटो छोड़ेंगे तो कोई फोटो नहीं रहती थी। सर्व शिक्षण अभियान के स्कीम के मुताबिक सारे फ्रीडम फाइटर्स, साइंटिस्ट, जो भी फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन किए हैं उनके फोटोज आए हैं। लेबोरेटरी में बहुत सारे जो साइंस के इक्विपमेंट आए, चेयर्स आए, डेस्क आए, बहुत कुछ डेवलपमेंट। और जो रूम्स जो बहुत खराब हालत में थी उन्होंने मरम्मत कराई, नई बिल्डिंग्स बने, और बहुत सारे टीचर्स को अपॉइंटमेंट मिला लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में। ये वाकई
एजुकेशन फील्ड में ऐसा काम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर रियासत में कुछ मामला को लेकर तलबा में जो तकसीम, तलबा को तकसीम करने की जो कोशिश की जा रही है, इस तालुक से आप क्या कह रहे हैं? यही बोल रहा हूँ ना मैं, वो एक वाजपेयी साहब हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो, इन तमाम के लोगों के लिए ये मिसाल है। अच्छा, इनको देखना चाहिए कि उन्होंने महिला में क्या किया काम, इन्होंने एजुकेशन फील्ड में इन्होंने क्या काम किया, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, इनका थिंकिंग क्या था, इनका इनका माइंडसेट क्या था, इनका जो आगे की प्लान क्या था, ये देखना चाहिए इन लोगों को। तो अभी यहाँ पर रियासत में एक हंगामा फिर से खड़ा हो गया कि देही तरक्यात के पंचायत डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं के ईश्वरप्पा, उन्होंने कह दिया कि अगर उनका बस चले तो लाल किले पर भी तिरंगा झंडा लगाएंगे। तो इस तालुक से आप क्या कहना चाहें? इस तालुक से मैं एक ही बात करता हूँ कि जो भी साहब बोले हैं वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर भी हैं, अरे तिरंगा का, फ्लैग का, नेशनल फ्लैग का सहारे को इज्जत करना चाहिए। 100 साल बाद क्या होगा वो सोच के नहीं बोलना चाहिए। अभी हाल में क्या है ये देख जो उन्होंने बोले हैं सरासर गलत बोले, बिल्कुल गलत बोले। अभी हाल ही असेंबली में इसका हंगामा चल रहा है और अपोजिशन पार्टी बैकट कर रही है। और मेरी राय है ईश्वरप्पा साहब से वो सदन में तुरंत अपना बयान वापस लेना चाहिए। कोई भी माफी मांगने से छोटा नहीं होता है, बिल्कुल उसका खत छोटा नहीं होता है। तो जो बात गलत हुई उसकी, हाँ, वो जो है उसका खत बढ़ेगा ना, आपको कम नहीं होगा। बिल्कुल उनको माफी मांगना चाहिए कि तिरंगा के बारे में ऐसा मैं बोला हूँ जो नहीं बोलना चाहिए था, ये गलती हो गई है, बोलना चाहिए। और सरकार भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अच्छी बात, क्यों बोले तो आज वो बोलेंगे तो कल और दूसरा कोई और बोलेगा। हाँ, मौका मिलेगा। आज क्या है वो देखिए आप, बिल्कुल 100 साल 200 साल बाद क्या होगा वो आप बोलने की जरूरत क्या है, वक्त बताए। तो फिर से एक नया बयान आया है उत्तर प्रदेश के वजीर आदित्य योगी की जानिब से, स्कूलों के तलबा का यूनिफॉर्म फौज के तर्ज पर होना चाहिए, जिस तरह फौज का यूनिफॉर्म होता है उस तरह से स्कूल के तलबा का यूनिफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तलब से आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने वजीर आला जो उत्तर प्रदेश के जो कहे हैं बिल्कुल सरासर सही कहे हैं। और उनको याद भी रहना चाहिए कि फौज में, हिंदुस्तान की फौज में बिल्कुल तीनों, मतलब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तमाम जगह एक ही यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रहना चाहिए। मगर वो ख्याल करें, वजीर आला हैं कर्नल उत्तर प्रदेश के, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि सिखों, हमारे सिख जो भाई हैं उनका जो है सिर पे पगड़ी जो है वहाँ पे कॉमन कर दिया गया है। अच्छा, पूरे फौज की जो टोपी होती है अलग होती है, वो अपना फेटा बांधते हैं, सिख ब्रदर अलग से इजाजत दी गई। अच्छा, दी गई है ना, ये तो ख्याल रखना चाहिए ना। वजीर आला हैं उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के बड़ा स्टेट है वो, उस स्टेट के बड़े वजीर आला हैं ये, इनको पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जो बोल रहा हूँ वो करना भी चाहिए, वो होना भी चाहिए, है ना। जैसे कि सिख भाई हैं हमारे, उनको पगड़ी दी गई है, उसमें कोई किसी का एतराज नहीं है, बिल्कुल ना हिंदू ना मुसलमान ना किसी का एतराज नहीं है। कोई भी मुसलमान वहां पे जाके उनको दिए हैं तो हम टोपी पहनेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे। उनका धर्म का है, धर्म का बेसिक फंडामेंटल उनका फेटा जो है, उनका जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका मतलब है जो किसी भी मजहब का जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो छीनना नहीं चाहिए। बिल्कुल, यही संविधान बोलता है, संविधान में फंडामेंटल राइट जो है वो कोई चेंज, कोई भी सरकार नहीं चेंज कर सकती है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर उनके साथ ही सब मिलके लिखे हैं, पार्लियामेंट में पास भी होके है, संविधान की बुक है, वो बुक में जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं कोई भी हुकूमत उसको छीन नहीं सकती, छू नहीं सकती। तो
अभी हाल ही में एक मेरा यही मतलब बोलने का आपको, जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं हिजाब डाल रहे हैं, मैंने पहले स्टेटमेंट आपको दिया हूँ, सारे पेपर में भी इश्यू हुआ है, हिजाब जो है हिंदुस्तान का कल्चर है, औरत की लाज है, औरत की उसमें सब कुछ इज्जत है, वो कोई मुसलमान का आइडेंटिफिकेशन आप देख रहे हैं तो आप वो अंदाज से देखेंगे तो वो अंदाज से आपको दिखेगा, मगर सिर पे जो पल्लू जो ओढ़ती है हिंदुस्तानी औरत, उसकी लाज है, शर्म है, हया है, हिंदुस्तान का कल्चर है। अब प्रतिभा देवी पाटिल, मैं दे दिया हूँ स्टेटमेंट आपको दिया हूँ, प्रतिभा देवी पाटिल हिंदुस्तान की पहली वुमेन राष्ट्रपति थी, हर हमेशा वो सर पे पल्लू ओढ़ती थी, वो पल्लू ओढ़ती थी, और इंदिरा गांधी जी थी वो भी पल्लू ओढ़ती थी, रानी चन्नम्मा वो भी पल्लू ओढ़ती थी, ऐसे बहुत सारे। कई सारे यहाँ तक ये लीजिए मदर टेरेसा, नोबल नोबल अवार्ड मिला मदर टेरेसा को, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो तो क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियनों में वो ऊपर उड़ना नहीं है उनको, मगर वो उड़ती थी मदर टेरेसा। वो हमारे मुल्क के एक ये मुल्क की एक तहजीब तहजीब है वो, बिल्कुल। और इसे कोई भी मजहब से नहीं जोड़ा जाता। तो आजकल आए दिन कुछ तो बीजेपी के एमएलए और एमपीस, जिनमें खासकर बीजेपी के एक एमएलए यत्नाल और मैसूर से बीजेपी के एक पार्लियामेंट मेंबर प्रताप सिम्हा, जिन्होंने मुसलमानों को अगर वो किसी सहूलत की मांग करते हैं तो हर बात पे वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान जाओ। तो मुंतखब अवामी नुमाइंदों का किसी एक मखसूस तबके को बार बार पाकिस्तान जाओ कहना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मैं एक मेरी राय है, सरासर गलत है ये हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं हर कौम के लोग रहते हैं उन तमाम का मुल्क है ये, उनका हक है, कोई भी फिरका कोई भी जात धर्म वाला और एक जात को बोलने का कोई हक नहीं है, हिंदुस्तान का संविधान किसी को हक नहीं दिया है, हिंदुस्तान का संविधान ये हक दिया है जो भी यहाँ पे पैदा हुए हैं अपने बाप दादा के जमाने से हम हैं, अब हम यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं पे मरेंगे, हम यहीं पे हम मिट्टी में दफन होंगे, किसी भी एमपी नवे वक्त के राष्ट्रपति को भी कोई हक नहीं है कि ये बोले कि आप मुल्क छोड़ो, जी वक्त के राष्ट्रपति को भी कोई हक नहीं है कि आपका देश नहीं है, आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, आपको कुछ सहूलतें होना है तो आप जाओ दूसरे मुल्क को, बोलने का हक नहीं है, कोई भी राष्ट्रपति नहीं बोलेगा, मिसाल बोल रहा हूँ मैं ठीक, आपको, कोई भी राष्ट्रपति नहीं बोलेगा, मगर इख्तियार तो अगर नहीं। बोलेंगे कोई भी इस तरह की बात आती है उनको भी अधिकार नहीं है, क्यों बोले तो राष्ट्रपति भी या हुकूमत हिंद भी या कोई भी रियासत की हुकूमत भी हो, अगर बोलना है तो कानून के दायरे में बोलना पड़ेगा, संविधान को के हिसाब से बोलना पड़ेगा, संविधान को दस्तूर को नजर में रख के बात करनी बोलना पड़ेगी, पड़ेगा। बिल्कुल और प्रताप सिन्हा और इतना यत्नाल। इनका दिमाग खराब हो गया है, हाँ, ये अपनी पार्टी में अपने पार्टी के बड़े बड़े लीडरों को खुश करना चाहते हैं इस तरह के स्टेटमेंट देके, समझ में ये बात, और इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कितना भी मुसलमानों को खासकर मुसलमानों को ही बोल रहे हैं, कितना भी बोलेंगे तो भी कुछ भी फर्क नहीं कुछ पड़ेगा भी बिगड़ने इनकी वाला नहीं। इम्प्रूवमेंट के लिए, इनको कहाँ रखना चाहिए वहां रखा है उन्होंने, उनकी हुकूमत हो या उनकी पार्टी हो, उनको कहाँ रखना है वहां रखा है, समझ नहीं पा, बिल्कुल बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी मुसलमान को, और संविधान जो देता है सबको अधिकार, एक इक्वल है अधिकार देश में, वो अधिकार कोई भी किसी का अधिकार छीन नहीं सकता, आगे क्या होगा 50 साल पहले क्या होगा, 100 साल क्या पहले क्या होगा, 30 साल पहले बाद में क्या होगा, हम वो करेंगे ये करेंगे, ये सब बनावटी बातें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी अपील है सारे हमारे जो स्टूडेंट बच्चे हैं जितने भी बच्चे हैं रियासत के, मैं एक अपील करता हूँ तमाम बच्चों से, आप अपना माइंड सेटअप कीजिए, आप हिंदुस्तानी हैं, आपको कोई भी आपको इलम से महरूम नहीं कर सकता, आप पूरे इत्मीनान से हिम्मत से स्कूलों को जाइए,
इलम हासिल कीजिए। सिर्फ इलम एक ही हमारा हथियार है इन लोगों को जॉब देने का। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सैयद नसीर अहमद साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे साथ जुड़कर बहुत सारे मसाइल पर मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर हर तबके के लिए कुछ रहनुमा उसूल पेश किए। बहुत बहुत